हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1, क्लास 10th है। इसमें मैंने आपको तीन क्वेश्चन करवा दिए थे, आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक वेदर 5 -2, 6 -4 एंड 7 -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि जो तीन वर्टिसेस हमें गिवन है वो आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स के हैं। तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स हमें पहले पता होना चाहिए कि होते क्या हैं। तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी कोई भी दो साइड्स इक्वल हो। अब देखिए, एक फॉर एग्जांपल दिखा देते हैं आपको यहाँ पे किस तरह से कहना चाह रहे हैं। कोई भी दो साइड, यानि कि ये दो साइड है, ये दो साइड, या फिर ये दो साइड, इस तरह से कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए तो वो आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये तीन पॉइंट्स दिए गए हैं, वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं जो यहाँ पे लिखे जाते हैं, वो वर्टिसेस हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास तीन नंबर्स हैं ये, इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर हमारे पास ये साइड्स आ जाएंगे कि वो साइड कितनी है, तो उससे हम बता पाएंगे कि वो क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है या नहीं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि इसमें हमें डिस्टेंस ही निकालना है। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट्स जो गिवन है वो है 5 -2, 6 -4, नेक्स्ट 7 -2। ये तीन पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, ये तीन वर्टिसेस हमारे पास गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम वही जो हर बार करते आए हैं, क्या लेट करेंगे यहाँ पे भी। लेट ए इज इक्वल टू जो नंबर है 5 -2, बी इज इक्वल टू 6 -4, सी इज इक्वल टू 7 -2। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे, एक एक करके डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, वो मैंने आपको बताया था। अब आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करना कि वो फॉर्मूला क्या था, x2 - x1 वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास x1 y1 है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, ये x1 y1 के लिए लिखा है मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले x2 क्या है, 6, x1 क्या है, 5। जो पहला नंबर लिखा जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर, देखिए जो भी पहला नंबर है वो x के लिए यूज होगा, फिर दूसरा y के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। का होल स्क्वायर है यहाँ पे हमारे पास प्लस y2 हमारे पास है 4 -2, इसका करना है हमें होल स्क्वायर। तो 6 में से 5 गए 1, प्लस 1 है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, इस तरह से प्लस 4 -2। यहाँ पे दो बार माइनस है, माइनस माइनस होता है प्लस, 4 + 2 = 6, प्लस का 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 36 आएगा, 1 + 36 √37 होते हैं। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, ए बी के बाद बी सी निकालते हैं। हमारे पास कोई भी दो साइड सकती है जो कि ए बी बी सी सी ए, इन तीनों में से हमारे पास कंटिन्यू है, हो सकता है कंटिन्यू भी आ जाए, लेकिन वो हर बार डिपेंड नहीं होगा, ध्यान रखना है। कोई भी दो साइड इक्वल आ सकती हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x3 - x2, x3 क्या है 7, -x2 क्या है 6, 7 में से 6 गए, प्लस का 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहां लिख लेते हम 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस। फिर हमारे पास y3 हमारे पास क्या है, y3 हमारे पास -2 है, -y2 हमारे पास 4 है, -2 - 4 - 6 - 6 का स्क्वायर करने पे हमारे पास क्या आता है, प्लस का 36 या माइनस का 36, प्लस का 36, ये ध्यान रखना प्लस का 36 आता है, माइनस का नहीं, तो प्लस का 36। तो यहाँ पे √37 हो गया। इस तरह से अब हमारे पास दो साइड्स इक्वल आ चुके हैं, यानी कि जो हमने डिस्टेंस निकाला √37 दो बार हमारे पास आ चुका है। अब क्या ये हमारे पास जो है एक आइसोस्केल ट्रायंगल बन गया, क्या पता बन गया, क्या लास्ट अगर हम साइड निकाले वो भी इक्वल हो तो क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। इसलिए लास्ट साइड जो जरूरी फाइंड करेंगे हम, ए बी बी सी एंड देन सी ए, सी ए फाइंड करेंगे। सी ए के लिए हम क्या लिखेंगे, x3 - x1 का होल स्क्वायर, x3 क्या है 7, x1 क्या है 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास प्लस का 2 आया, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस। अब हम क्या लिखेंगे, y3 क्या है -2 और y1 क्या है -2, इसका होल स्क्वायर।
देखिए यहाँ पे माइनस टू तो वाई थ्री के लिए था, फिर फॉर्मूला में माइनस लगाते हैं हम, वो वाला माइनस कह रहा, फिर वाई वन जो है वो माइनस टू, इसलिए मैंने ब्रैकेट में आपको लिख के दिखाया इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे मैंने कैसे बताया सेम वही यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस टू प्लस टू जीरो, जीरो का स्क्वेयर जीरो, तो यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वेयर रूट ऑफ फोर टू होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये साइड आ चुकी है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या साइड्स बनेंगी। जैसे कि हमने लिया, मान लेते हैं ए, इसको लिया बी सी, अब ए के वर्टिसेस जो थे हमने यहाँ लिखे, बी के यहाँ, सी के यहाँ, आप लिख दें, फिर हम जो डिस्टेंस निकाला वो क्या आया, ए बी का √37, देन बी सी का √37, देन ए सी या सी ए टू, तो इनमें कोई भी दो साइड्स इक्वल है, यस दो साइड्स इक्वल है हमारे पास। वो दो साइड कौन कौन से, देखिए जो हमारे पास दो साइड्स इक्वल है वो ये वाली दो साइड्स इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है, ये एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स है। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्लासरूम फोर फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी डी एज शोन इन फिगर 7.8। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक क्लासरूम है, क्लासरूम में चार फ्रेंड्स आपस बैठे हैं, ए बी सी एंड डी, ये चार फ्रेंड्स बैठे हैं। फिर इनमें से क्या होता है, देखिए चंपा एंड चमेली वॉक इन टू दी क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वेयर। तो यहाँ पे क्या है, दो फ्रेंड्स हैं चंपा एंड चमेली, वो आपस में बात कर रहे हैं, पहले दोनों ने चक्कर काट लिया पूरी क्लास का, देख लिया उन्होंने कौन कौन कहाँ कहाँ बैठा है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, चंपा चमेली से कहती है, तुझे ये नहीं लगता भाई ये जो ए बी सी डी जो चार जने बैठे हैं ये स्क्वेयर बना के बैठे हैं। वो चंपा चमेली से कहती है, चमेली फिर क्या कहती है, देखिए चमेली कहती है, चमेली डिसएग्रीज, चमेली कहती है मुझे तो नहीं लगता ये स्क्वायर में बैठे हैं। फिर कहते हैं चलो हम फाइंड कर देंगे, अब क्या यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, चंपा सही है या चमेली सही है, स्क्वायर है या स्क्वायर नहीं है, हमें ये बताना है। उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो मैं डालूं आपको सबसे पहले पता चल जाए और आप उसको देख ले टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें ए बी सी डी के पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब ए बी सी डी के पॉइंट्स कैसे देखेंगे, ये जो डायग्राम दिया गया है, ये जो फिगर है, इसके अंदर से हम देखेंगे। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो वर्टिकल लाइन है यानी कि कॉलम और रोज है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। जो कॉलम है वो एक्स के लिए, रो है वाई के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या आया, 3,4, कैसे देखेंगे 3,4 इस तरह से। यहां पे हमारे पास 6,7, तो 6,7। नेक्स्ट सी के लिए 9,4, नेक्स्ट डी के लिए 6,1। अब इन पॉइंट्स को हम जो है लिख लेते हैं दोबारा से ताकि हम बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। तो यहां पे हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 3,4, 3,4। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 6,7। नेक्स्ट है हमारे पास 9,4। नेक्स्ट है 6,1। तो ये चार पॉइंट्स हैं ए बी सी एंड डी। तो हमें स्केयर फाइंड करना है यानी कि हमें बताना है कि स्केयर है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले हमें स्केयर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, भाई स्केयर होता कैसा है। तो हमें ये पता है चार साइड्स इक्वल है तो स्केयर है, लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ होगा तो इसमें हम डायगनल्स भी चेक करेंगे। डायगनल्स क्या होते हैं, जो स्लांट हाइट होती है इस तरह से, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ बनाकर। मान लेते हैं स्केयर है, वैसे रेक्टेंगल बन गया, स्केयर है ये मान लेते हैं। ये जो डायगनल बनाएंगे ये जो होते हैं ये डायगनल्स होते हैं, इस तरह से क्रॉस जो बनता है इनका कोई भी एक ले सकते हैं इनमें से, वो इसका डायगनल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमें जो डायगनल्स हैं वो कौन कौन से बनेंगे। सबसे पहले ए बी सी डी, तो ये चार है तो इनका हमें जो है सॉल्व करना है। सबसे पहले ए बी निकालते हैं, ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी इज इक्वल टू √x2। एक्स टू क्या है, 6 − x1 3, इसका करेंगे हम होल स्क्वायर, प्लस y2 7 है, y1 4 है, इसका करेंगे हम इसको होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं, 6 में से 3 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 7 में से 4 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, दोनों ही प्लस के हैं इसलिए दोनों ही यहाँ पे आपको प्लस दिख रहे होंगे। 9 + 9 = 18। अब √18 किया तो हम वैल्यू निकाल दें या हम इसको थोड़ा सा सोल्व भी कर सकते हैं, चाहे हम इसको
इस तरह भी रहने दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 3√2। अब ये 3√2 वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, 9 + 9 है यानी कि 18, 2 × 9 भी 18 होता है। अब स्क्वेयर रूट ऑफ 9 हमें पता है वो 3 होता है, तो ये 3 हो रहा, और जो रूट के अंदर 2 है वो एज इट इज आया हुआ है। अब इस तरह से ए बी के बाद हम क्या निकालेंगे, बी सी, बी सी, तो यानी कि 3 वाले में से 2 वाले माइनस करने हैं, x3 − x2, y3 − y2। मैंने आपको बताया हुआ है आप इनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते थे, यानी कि x1 − x2 भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, हम लिख सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर इस तरह से लिखते हैं x2 − x1। तो यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे हम निकालेंगे डिस्टेंस बी सी का, उसके लिए 9 में से 6 माइनस कर देंगे, 9 में से 6 माइनस कर देंगे, प्लस 4 में से 7 माइनस कर देंगे, यहाँ पे ये 1 2 3 4 इस तरह से मैंने लिया है, ठीक है, ये मैंने लिया था। तो यहाँ पे 3 वाले में से 2 वाले माइनस कर दिए मैंने। अब इनको सॉल्व करते हैं, 9 में से 6 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 में से 7 माइनस करेंगे -3, -3 का स्क्वायर अब -9 या +9, +9, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस नहीं करना, नहीं तो आपका रिजल्ट 0 बन जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख दें √3√2, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है। देखिए अब हमने क्या, हम हर बार यही करते थे ए बी बी सी सी ए लिख देते थे, अब क्या करना है, देखिए पहले ए बी हमने फाइंड कर लिया, बी सी फाइंड कर लिया, पहले हम साइड्स निकाल रहे हैं, तो साइड अगली कौन सी है, सी डी, तो हम लिखेंगे सी डी का डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि 4 वाले में से 3 वाले माइनस कर देंगे, 4 वाला क्या है 6 एंड 1, उसमें से 9 और 4 माइनस हो जाएंगे, यानी कि 6 में से 9 माइनस करेंगे, एक्स वाले में से एक्स वाला और वाई वाले में से वाई वाला, 1 − 4। अब देखिए दोनों ही हमारे पास क्या रिजल्ट दे रहे हैं, -3 − 3 का, दोनों का स्क्वायर करने पे प्लस का ही 9 आएगा, हमारे पास माइनस का 9 नहीं करना, तो यहाँ पे भी 3√2 आ गया। अभी तक तो हमारे पास सही चल रहा है, फिर हम क्या करते हैं डी ए, यानी कि ए डी या डी ए कुछ भी बोल सकते हैं, डी ए लिख देते हैं हम, डी ए निकालेंगे। तो डी ए कैसे निकाल लेंगे, 4 वाले में से 1 वाले माइनस करने हैं, 4 वाले में से 1 वाले माइनस करने, यानी कि 6 में से 3 माइनस करना है, प्लस 1 में से 4 माइनस करना है, तो एक का हमारे पास +3, एक का -3, दोनों का स्क्वेयर करने पे प्लस के दोनों 9, यानी कि 3√2, हमारे पास साइड्स तो सारी इक्वल आ गई, यानी कि स्क्वेयर हो सकता है, अभी तक तो ये लग रहा है। फिर हम क्या करते हैं डायगनल्स भी निकालते हैं, डायगनल्स इक्वल आ गए, साइड्स की इक्वल आएंगे या आपस में इक्वल आएंगे, डायगनल्स आपस में इक्वल आएंगे, तो वो बन जाएंगे इक्वल हो गए, तो वो स्क्वेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायगनल निकालते हैं, डायगनल निकालने के लिए सबसे पहले ए सी फर्स्ट डायगनल है, उसके बाद बी डी सेकेंड डायगनल है, ए सी निकालते हैं, ए सी 1 और 3 पे लिखा है, तो 3 में से 1 वाले माइनस करने हैं, तो 3 क्या है 9 और 4, और फर्स्ट वाला है 3 एंड 4, तो 9 में से 3 माइनस कर देंगे, 9 में से 3 माइनस कर देंगे, 9 में से 3 गए 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, प्लस 4 में से 4 माइनस कर देंगे 0, 0 का स्क्वायर होता है 0, तो यहाँ पे हमारे पास √36 आ गया, √36 कितना होता है 6, तो यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। इसी तरह से बी डी भी निकाल देते हैं, बी डी क्या है, यहाँ पे हमारे पास बी एंड डी सेकेंड एंड फोर्थ, 4 वाले में से 2 वाले माइनस कर देंगे, यानी कि 6 में से 6 माइनस करेंगे, सबसे पहले 6 में 6 गए 0, 0 का स्क्वायर 0, फिर हम क्या करते हैं 1 में से 7 माइनस करते हैं, 1 में से 7 माइनस करते हैं, यहाँ पे हमारे पास -6 आएगा, -6 का स्क्वायर करने में प्लस का ही 36 आएगा, प्लस का 36 यानी कि 6। अब ये देखिए दोनों डायगनल्स इक्वल हैं, और यहां से हमारे पास इनकी जो साइड्स हैं वो भी इक्वल हैं, आपस में साइड्स इक्वल हैं और डायगनल इक्वल हैं, जिसके कारण ये क्या हुआ, ए स्क्वायर बन गया। तो इस तरह से यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।